ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक गाड़ी पार्किंग में डालते वक्त एक गलती करते हैं कि उसको यूँ पार्क करके गाड़ी बंद करके बाद में हैंड ब्रेक खींचते हैं। उससे अक्सर होता यह है कि आपकी गाड़ी जब पार्किंग में थोड़ी सी हिल जाती है पार्किंग गियर में, तो उसके बाद वो गियर थोड़ा सख्त करके निकलता है, एकदम ज़रा झटके से निकलता है। दूसरा, उसको निकालने के लिए आप ब्रेक पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि पता नहीं क्यों गियर नहीं निकल रहा। ऑटोमेटिकली आप गियर पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर, ब्रेक पे ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। तो उसके दो नुकसान है, एक तो आप ब्रेक को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर देते हैं और आपका गियर एक झटके से निकलता है, वापस फंसा होता है, यूं करके बड़ी मुश्किल से निकलता है। ठीक है, और उसके बाद अक्सर ये होता है कि आपके गियर में ना झटका आ जाता है। अब जैसे ही गियर लगाते हैं कोई भी ना, तो गाड़ी एकदम झटका सी लेती है, खड़े खड़े भी चाहे रिवर्स लगाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक आसान सा हल ये है कि आप गाड़ी जहाँ भी खड़ी करें, ठीक है, अगर आप अचानक उसको पार्किंग में भी डाल देते हैं तो साथ ही आप हैंड ब्रेक खींच लें। ज़्यादा बेहतर है कि गाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल ही ना हिले। ठीक है, अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पहले उसको न्यूट्रल कर ले, हैंड ब्रेक खींच ले, पहले हैंड ब्रेक खींच ले ताकि गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हो जाए, उसके बाद आप उसको पार्किंग में डाल दें। तो उसके बाद आपके गियर को कोई नुकसान नहीं होगा, इजीली वो वापस जब भी आप उसको स्टार्ट करेंगे इजीली वो पार्किंग से निकल आएगी।